ये कहानी है एक ऐसे सादे सुधे लड़के की जिसके साथ दो लड़कियां जबरदस्ती गपागप करती है और आगे क्या होता है ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मूवी का नाम है नॉक नॉक जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। तो कहानी के शुरू में हमें इवेन को दिखाया जाता है जो कि अपना लाइफ मजे से जी रहा था और उसके दो बच्चे और बीवी का नाम कैरन होता है। उसके दो बच्चे उसके लिए केक लेके आता है और उसके बाद वो लोग फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बाद में इवेन का फैमिली बीच में जाने का प्लान करती है लेकिन इवेन उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे इस वीकेंड बहुत ही काम था, इसलिए वो घर पे काम करने के लिए रुक जाता है। और जब इवेन रात को अपना काम कर रहा होता है तब अचानक से उसके घर का डोरबेल बजता है। जब इवेन अपना दरवाजा खोलता है तब उसे दो लड़कियां दिखाई देती है जो कि बारिश में पूरा भीग गए था और उसका सेलफोन भी खराब हो गया था, इसलिए वो इवेन के फोन से एक फोन करने के लिए कहती है। इवेन उन दोनों लड़कियों को अंदर आने के लिए कहता है। उन दो लड़कियों में से एक का नाम बेल और एक का नाम जेनिस होती है। वो दो लड़कियां उससे बताती है कि वो लोग पार्टी में जा रहे थे लेकिन अचानक से बारिश आने के कारण वो लोग पूरा भीग जाते हैं। इवेन एक अच्छा इंसान होता है इसलिए वो उन लड़कियों के लिए एक कैब बुक करता है जो कि 45 मिनट में उनके यहाँ पहुँच जाएगा। वो उन लड़कियों के लिए गर्म कपड़े और कॉफी बना कर देता है। इवेन एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पति और एक अच्छा फादर भी है। वो दो लड़कियां फ्रेश होने के बाद इवेन से बात करने लगता है लेकिन उनका हरकत कुछ और ही बता रहा था और धीरे धीरे वो दोनों लड़कियां इवेन के करीब आने की कोशिश कर रही थी लेकिन इवेन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवेन बस वेट कर रहा था कि कब कैप आए और कब ये दोनों लड़कियां यहां से चली जाए। जब वो देखता है कि कैप आने में 5 मिनट बाकी है तब वो लड़कियां वॉशरूम चली जाती है। जब कैप बाहर आ जाता है तब इवेन उनके पास जाती है और उन्हें बताता है कि कैप बाहर आ चुका है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब इवेन अंदर जाता है तब वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां बिना कपड़ों के नहा रहे थे। तब वो दोनों इवेन को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इवेन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं रुकते और मजबूरन इवेन अपने औजार को खड़ा करता है और उनके साथ गपागप कर लेता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद कैब भी वहाँ से चला जाता है। जब इवेन नींद से उठता है तब उसे लगता है कि वो दोनों लड़कियाँ चली गई है लेकिन जब वो नीचे आता है तब वो देखता है कि वो दोनों लड़कियाँ नीचे ही है। जब वो उन लड़कियों को घर जाने के लिए कहती है तब वो लड़कियाँ उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों उसके बीवी का यट भी खराब करने लगती है। तब इवेन जाके उसे रोकती है और अचानक से उसके घर के बाहर उसके बीवी का फ्रेंड आ जाता है। जब वो दोनों बात होती है तब उन लोगों के बीच जेनिस आ जाता है और जबरदस्ती उसके साथ चिपकने लगती है। इसे देख के उसके बीवी के फ्रेंड को लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है, वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ये देख के इवेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों लड़कियों को घर से जाने के लिए कहता है लेकिन जब वो दोनों लड़कियां नहीं सुनती तब वो कहता है कि वो पुलिस को फोन कर बुला लेगा। तभी वो दोनों लड़कियां कहती है कि ठीक है बुला लो लेकिन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने अंडर एज लड़कियों के साथ क्या किया है। तब इवेन सोचता है कि वो पूरी तरह से फंस गया है। काफी समझाने के बाद जब वो दोनों लड़कियां नहीं जाती तब फाइनली वो पुलिस को फोन करने लगता है। तब उन दोनों लड़कियों को ये लगता है कि वो सच में पुलिस को फोन कर बुला लेगा, इसलिए वो कहता है कि वो वहाँ से चला जाएगा। जब वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है तब इवेन अपने किचन को ठीक ठाक करता है। जब इवेन घर में काम कर रहा होता है तब उसे कुछ गिरने का आवाज आता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तब वो देखता है कि एक फ्रेम जो कि गिरा हुआ है। जब वो उस फ्रेम को उठा रहा होता है तब पीछे से जेनिस आके उसे मार कर बेहोश कर देती है। जब इवेन उठता है तब वो देखता है कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तभी वहाँ पे बेल आती है उसकी बेटी का स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर और वो दोनों उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। तभी वो दोनों लड़कियां उसे कहती है कि वो उसके बीवी को वीडियो कॉल कर सब कुछ बता देगा और मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ता है। बेल उसके साथ इंटीमेट होती है और जेनिस ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। और कुछ देर बाद जब जेनिस वहाँ से कुछ काम के लिए बाहर जाता है तब इवेन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो बेल को जख्मी कर देता है। इवेन अपने आप को खोल कर बाहर जाने का ट्राई करता है। यहाँ पर जेनिस उसके ऊपर अटैक करती है और वापस से उससे रस्सी के साथ बांध देती है। तभी घर में लुइस आता है जो कि इवेन के वाइफ का असिस्टेंट था। वो दोनों लड़कियां उसे कहती है कि वो दोनों इवेन के कजिन हैं। तभी लुइस को इवेन का आवाज आता है और वो उसे देखने के लिए ऊपर जाता है। तभी लुइस देखता है कि इवेन रस्सी से बंधा हुआ है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों लड़कियां उसके बीवी का यट को तोड़ने लगती है और लुइस उसे बचाने के लिए नीचे जाता है लेकिन लुइस का पैर स्लिप होने के कारण उसका सर उस यट से जाकर टकरा जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी वो दोनों लड़कियां इसे देखकर बहुत जोरों से हंसने लगती है और इससे ही पता चलता है वो दोनों लड़कियां साइको है। तभी वो दोनों लड़कियां जेनिस को घर के बाहर दफना देता है। इवेन अपने वाइफ को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। बाद में वो लड़कियां उसके घर को तहस नहस करने लगती है और उसके बाद उसके साथ गेम खेलने लगती है। जब वो हेल्प के लिए चिल्लाता है तब वो दोनों लड़कियां उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। अगली सुबह वो दोनों लड़कियां इवेन के पूरे बॉडी को दफना कर सिर्फ उसका सर को बाहर रखता है। बाद में वो दोनों लड़कियां अपना सच कहती है। वो कहती है कि वो उसके साथ गेम खेल रही थी जिसे खेलने में उन्हें
बहुत मजा आता है। बाद में बेल उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो अपनी बेटी के यूनिफॉर्म में बेल के साथ इंटीमेट हुआ था। इस वीडियो को वो दोनों इवेन के फेसबुक अकाउंट में अपलोड कर देती है और ऊपर लिख देता है हैप्पी फादर्स डे, जिससे सबको लगेगा कि इवेन अपनी बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा है। और वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती है। उन दोनों लड़कियों के जाते ही इवेन अपना हाथ बाहर निकलता है और वो चाहता था कि उस वीडियो को डिलीट करना, लेकिन गलती से वो लाइक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।